बहुत कम लोग शायद ये जानते होंगे कि 1999 से पहले बीएसएफ की बटालियन जोजिला पास के उस ओर भी सीमा की सुरक्षा में तैनात रहती थी और उस इलाके के गड़रियों भेड़ बकरी चलाने वालों के साथ साथ बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टीज़ ने भी मार्च 1999 में अपनी सूचनाओं में इस बात का जिक्र किया था कि शायद पाकिस्तान की ओर से हमारे क्षेत्र में कुछ घुसपैठ हुई है और चूंकि वो इलाका इतना दुर्गम और जोखिम भरा था, बर्फ से ढका हुआ था और वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था, इसलिए लगभग 2 महीने का समय लगा हमको, 2-3 महीने का समय हुआ क्या है। लेकिन जब एक बार ये स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान की सेना ने सियाचिन और लद्दाख क्षेत्र की सप्लाई को बाधित करने के लिए, वहाँ पर हमारे नियंत्रण को कमज़ोर करने के लिए, इस इलाके पर कब्ज़ा करने के लिए जाड़े के मौसम में अपनी घुसपैठियों को भेजा है, तो तुरंत उस क्षेत्र में सेना को इकट्ठा करके, गोला बारूद रसद को इकट्ठा करके, और फिर जिस तरह से सेना के बहादुर अफसरों ने, सेना के बहादुर जवानों ने जिस तरह से उन ऊंचाइयों पर चढ़कर गोलियों का सामना करते हुए, बम मोर्टार आदि का सामना करते हुए किस तरह से वापस उन पहाड़ियों पर कब्जा किया, उसको जितना याद किया जाए कम है। आप में से मैं समझता हूँ कई लोग उस इलाके में कम से कम एक बार और देखकर ही आदमी हैरत में आ जाता है कि किस तरह से पूरा हथियार के साथ, पूरा गोला बारूद के साथ, रसद के साथ हमारे जवानों ने उस चढ़ाई पर चढ़ते हुए दुश्मन की गोलियों का सामना करते हुए किस तरह से फतेह हासिल की होगी। ये वाकई में दुनिया के इतिहास में, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में, बहुत ठंडे मौसम में तो लड़ाई कई जगह लड़ी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस में लड़ाई लड़ी गई थी, उसके अलावा भी अन्य कई ऐसे मौके आए हैं जब बहुत शीतकाल में फौजों ने लड़ाई लड़ी है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर
किसी फौज ने लड़के विजय हासिल की हो, इसकी मैं इतिहास में कोई और मिसाल नहीं जानता हूँ। तो आइए फिर से हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दें और ये प्रण लें कि जब तक हमारे देश की फौजें, हमारे देश के सुरक्षा बल सजग हैं, हम इस प्रकार से किसी प्रकार की हरकत को कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।